नो मोर रतन नोबेल टाटा हिज पासेस अवे ही वॉज एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलंथ्रोपिस्ट ही वॉज ए टाइकॉन एंड ही इज ए रियल हीरो नॉट फॉर द कंट्री बट फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो एंड हाउ मिस्टर रतन टाटा बिकेम ए रियल हीरो फॉर इंडिया एंड ही इज अलाइव टिल नाउ इन एवरी इंडियंस हार्ट ही सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स फ्रॉम 1991 टू 2012 एंड ही हेल्ड द पोजिशन ऑफ इंटरिम चेयरमैन फ्रॉम अक्टूबर 2016 टू फेब्रुवरी 2017 इन 2008 ही रिसीव्ड द पद्म भूषण द सेकेंड हाइस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया। रतन टाटा की विनम्रता और संवेदनशीलता आज के व्यावसायिक और उद्योग जगत में एक मिसाल है और उनकी जिंदगी की सिंप्लिसिटी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्चे नेता वो होते हैं जो लोगों के दिल में जगह बना सके। रतन टाटा एक ऐसा पर्सनालिटी है जिसकी सोच और कार्य शैली हमें ये सिखाते हैं कि हम अपने व्यवसाय के माध्यम से समाज को कैसे बदल सकते हैं। उनकी लाइफ एक मोटिवेशन है जो हमें आगे बढ़ने और अपने गोल और एम को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करते हैं। दोस्तों ये बात बता दूं, 26 ग्रह के मुंबई के टेररिस्ट अटैक के दौरान रतन टाटा ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुंबई के ताज होटल के कर्मचारियों और मेहमानों की मदद की। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तुरंत होटल में जाकर स्थिति का जायजा लिया, घायलों को अस्पताल पहुंचने में मदद की, पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। इस इंसिडेंट ने रतन टाटा की साहस और नेतृत्व का क्षमता दर्शाता है। आमतौर पर ऐसी टेररिस्ट हमले के हालत में अपने कंपनियों के नुकसान के लिए कुछ अच्छे बुरे लेक्चर दिए जाते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी बड़े कंपनी क्यों ना हो। लेकिन इस कठिन कड़ी में रतन टाटा ने अपने ताज होटल के नुकसान में कुछ भी अच्छे बुरे बयान दिए बगैर घायलों की मदद पहुंचाने में लग गए थे। दोस्तों आज के समय में इस तरह का काम करने वालों को किस नजरिया से देखना चाहिए, मेरे व्यूअर्स जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रतन टाटा के लाइफ स्टोरी में संघर्ष और विजय के अनकाउंटेड एग्जाम्पल है। और जब उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया तो वो ना केवल एक सस्ती कार थी बल्कि एक सपना था जो लाखों लोगों को अपना घरों तक पहुंचने का अवसर देती थी। ये दर्शाता है कि कैसे एक विचार को सही दिशा में ले जाकर बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। रतन टाटा ने पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों को काम और नौकरी दिलाने के लिए और नैनो प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए आज से 15-16 साल पहले पश्चिम बंगाल में 766 करोड़ रुपया लागत करके बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में सिंगूर में नैनो प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए वहां की सरकार टीएमसी ममता बनर्जी से लड़ाई करके जीत चुका था। ये लड़ाई ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा नैतिक, सामाजिक और आर्थिक हार था। भले ही ममता बनर्जी को इस मामले में राजनीतिक सफलता जरूर मिला था और रतन टाटा का ये बहुत बड़ा जीत था, जबकि रतन टाटा का ये लक्ष्य था कि ये लड़ाई रतन टाटा ने कुछ गरीब लोगों को मदद मिल जाए और गरीब लोग भी कार चला सके, सिर्फ इसके लिए उन्होंने ये लड़ाई किया था। रतन टाटा तो कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया ही नहीं था, तो उनका ये लड़ाई कैसे पॉलिटिकल हो सकता था, मेरे व्यूअर्स जरूर इस बारे में कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। एक बार रतन टाटा टाटा स्टील के एक कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। रतन टाटा ने ना केवल उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी बल्कि व्यक्तिगत रूप से खुद उनके घर पर जाकर सांत्वना भी दी थी। ये घटना उनके मानवीयता और कर्मचारियों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। रतन टाटा के खुद के कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशन है जो हर भारतीय के लिए मोटिवेशन है। रतन टाटा कहते थे, मैं कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागा, मेरा लक्ष्य हमेशा कुछ पैसा बनाना रहा है जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सके। अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो उनके ज़रूरतों को समझिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। सक्सेस और फेलूर
एक ही सिक्के का दो पहलू है, आप दोनों से सीख सकते हैं। ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा आगे ले जाएगी, चाहे वो व्यापार में हो या जीवन में। जब आप किसी काम को करने का फैसला करते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण से करें। रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सन 2008 में रतन टाटा को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो भारत के दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सन 2016 में उन्हें लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड मिला, जो के फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सन 2012 में उन्हें ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड मिला, जो के जापान के सर्वोच्च सम्मान है। सन 2015 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा। इसी तरह से उनको नोबेल अवार्ड भी मिलना चाहिए था। दोस्तों, अगर उनको नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों, 2008 में जब टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया तो कई लोगों ने इसे एक गलत फैसला बताया था, लेकिन रतन टाटा ने अपने विजन पर भरोसा रखा। आज जगुआर टाटा मोटर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये उनकी दूरदर्शिता का एक एग्जाम्पल है। रतन टाटा ने एक बार एक परिवार को स्कूटर पर यात्रा करते देखा। इस घटना ने उन्हें एक सस्ती कार बनाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह नैनो कार का विचार उनमें पैदा हुआ। हालांकि ये प्रोजेक्ट व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे जरूर रतन टाटा का इनोवेटिव सोच को दर्शाया। रतन टाटा ने कभी भी शादी नहीं की। उन्होंने एक बार कहा था कि उनके काम ही उनकी परिवार है, और ये भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स की शादी होना और फिर शादी टूट जाना, फिर शादी होना, ये सब उनको अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से उसने उनकी अपनी शादी करने का इंटरेस्ट को दूर रखा। ये बात रतन टाटा खुद ही बेहतर जानते थे। हालांकि उनके जीवन में कुछ रोमांटिक संबंध जरूर रहे हैं। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान एक लड़की से प्यार हुआ, लेकिन भारत चीन युद्ध के कारण रिश्ता टूट गया। बॉम्बे के बॉलीवुड एक्ट्रेस सीमा गरेवाल के साथ रिश्ता रहा, जो बाद में दोस्ती में बदल गया। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा रोचक बात उनकी ज़िंदगी में और है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई कुत्तों को गोद लिया और आवारे कुत्ते को मदद की। और एक बार रतन टाटा ने गोवा सफ़र की और उनके साथ एक कुत्ते का उनका लगाव की कहानी सुनकर हर कोई चौंक जाते हैं, जिन कुत्ते का नाम था गोवा। और बड़ी दुख की बात यह है कि रतन टाटा के देहांत हुआ 9 अक्टूबर को, और इसी के शोक में उनकी वही गोवा नाम की कुत्ता, पालतू कुत्ता का मौत भी हो जाता है 12 अक्टूबर, सिर्फ 3 दिन के बाद ही। रतन टाटा को विमान उड़ाने का शौक था और वो लाइसेंस होल्डर पायलट भी थे। उन्होंने कई इमारतों का आर्किटेक्चरल डिजाइन किया है, जिसमें टाटा समूह के कुछ कार्यालय भी शामिल है। रतन टाटा ना ही सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बल्कि एक महान समाज सेवी, एक मोरल सोशलिस्ट भी थे। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से कई सोशल काम में योगदान दिया। एजुकेशनल सेक्टर में स्कॉलरशिप और अनुसंधान कार्यक्रम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, स्वास्थ्य सेवा में, हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए अस्पतालें और क्लिनिक का निर्माण किया। सोशल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के कार्यक्रम, एनवायरनमेंट रिजर्वेशन और जल संचयन परियोजना के लिए रतन टाटा ने अपने पर्सनल एसेट का 65% से ज़्यादा हिस्सा दान कर दिया है। उनका मानना है कि धन एक जिम्मेदारी है और इसका उपयोग समाज के भलाई के लिए किया जाना चाहिए। रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली व्यापारिक नेताओं में से एक है। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और मूल्य के साथ हर चुनौती का सामना किया। टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने न केवल एक
व्यावसायिक साम्राज्य के निर्माण किया बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाया। रतन टाटा के पहले टाटा कंपनी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे विश्वसनीय कंपनी तो थी ही, मगर जब रतन टाटा के हाथ में पूरा टाटा कंपनी आने लगा, आने के बाद लोगों के दिल में टाटा कंपनी के बारे में और विश्वास यकीन बढ़ जाता है। यही ईमानदारी का कारण से जब कोई टाटा का शेयर खरीदता है तो उसे बेचता नहीं है। और टाटा का कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो नमक क्यों ना हो, अगर उसे खरीदना है तो बेझिझक खरीद लेते हैं, सोचते नहीं है। हाल ही में कुछ सालों पहले की बात है जब भारत के फेमस और विश्वसनीय पानी कंपनी बिस्लारी कंपनी ने डिसाइड किया अपना कंपनी को बेचना है, तो उन्हें बलि लगाया, जिस बलि में कई कंपनियों ने हिस्सा लिया, उसमें से टाटा भी थे। जबकि टाटा कंपनी ने उस बलि में कम भाव लगाया, फिर भी बिस्लारी कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हमें टाटा कंपनी को ही अपनी पानी कंपनी बिस्लारी को बेचना है, क्योंकि टाटा एक विश्वसनीय कंपनी है, ताकि ये कंपनी हमारे कंपनी का विश्वसनीय और ईमानदारी का बरकरार रख सके। रतन टाटा की कहानी सिर्फ व्यावसायिक सफलता की नहीं बल्कि एक ऐसी व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन को दूसरे की सेवा में समर्पित कर दिया है। उनकी अनसुनी कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है, और वो आज दुनिया से गुजारने के बाद भी हर भारतीय के दिल में बसे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं रतन टाटा के जीवन की कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ जो उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर सन 1937 को मुंबई में हुआ था। वह टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोता है। उन्होंने अपनी इनिशियल एडुकेशन मुंबई के कैथेड्रल एंड जन कनन स्कूल से प्राप्त की और फिर कर्नल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर की स्नातक डिग्री हासिल की। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नबल टाटा, और उन्होंने टाटा समूह में शामिल हुआ सन 1962 को। टाटा समूह के अध्यक्ष माना 1991 में और 2012 तक के रहा, और उनका प्रमुख योगदान रहा टाटा मोटर्स में, टीसीएस में, टाटा टीक में विस्तार, डिफरेंट सोशल वर्क्स, टाटा ट्रस्ट के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। रतन टाटा का बचपन काफ़ी उथल पुथल रहा है। रतन टाटा जब सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने गोद ले ली और पाला पोसा। ये समय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। रतन टाटा ने अपने बचपन के बारे में कभी ज़्यादा बोला नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके दादी ने उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया, इम्पोर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने अपनी दादी से ही ईमानदारी, करुणा और सेवाभाव जैसा मूल्य सीखा है। सन 1991 में रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नए क्षेत्र में प्रवेश किए और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। टाटा टी का वैश्विक विस्तार और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट टी कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। तो दोस्तों, इसी तरह रतन टाटा हर भारतीय के दिल में बसे हुए हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा रतन टाटा के बारे में, क्या रतन टाटा जैसा टाटा कंपनी को संभाल के टाटा कंपनी का ईमानदारी को बरकरार रख सके, है कोई ऐसा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।